नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं वो जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और अब हम लेके आ रहे हैं उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंड अधिकारी कार्यालय पनवेल से रिपोर्ट, जिसमें कि पनवेल ग्रामीण आता है और पनवेल ग्रामीण के में ही उलवे नोड आता है। तो हम चलते हैं आज के 10 तारीख की रिपोर्ट पे, 10 जून 2020। जी हाँ, तो कोविड-19 की जो चाचणी हुई है कुल, वो है 919। और आज तक जो पूरी तरह से अच्छे हो गए हैं, आज 8 रुग्ण अच्छे हुए हैं, उनको मिला के 354। विद्वान एकुण रुग्ण 66 है। कोविड-19 मृत्यु झालेले रुग्ण 10 ही बने हुए हैं। और आज तक जो पॉजिटिव रुग्ण, आज 11 रुग्ण मिले हैं, आज नए रुग्ण, यानी कि ये 10 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। 430 तपासनी निकाल प्रलंबित है, वो 15 है। और तपासनी निकाल जिनका नेगेटिव आया है वो 242 है। अब इसी तरह से सभी रुग्णालय में कहीं 5 है, कहीं 8 है, कहीं 33 है। इस तरह से उपजिला रुग्णालय पनवेल है, MGM हॉस्पिटल कामेठे, इंडिया बुल्स कोन है, युवा पाटिल नेहरू है, तेरणा हॉस्पिटल, इस तरह से सभी लोग एडमिट है। कोई लीलावती में है, कोई कल्याण में है, तो इस तरह से है। लेकिन हम चलते हैं आज जो इम्पोर्टेंट बात है, आज के जो 11 रुग्ण जो नए मिले हैं, 11, एक है नंदगांव में, एक तालुका पनवेल, ये 24 वर्षीय स्त्री को जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आई है। और इसको जो स्थानिक ठिकाने से ही संसर्ग हुआ है, ऐसा प्रथम दृष्टि का निष्कर्ष है। फिर चलते हैं कुंडेवाहाल में, तालुका पनवेल में, महा भी 44 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। और ये व्यक्ति स्थानिक रिक्शा चालक था, तो इस व्यक्ति को काम की जगह से ही संसर्ग हुआ है, रिक्शा चालक था तो वहीं से। अब आते हैं उलवे की तरफ। उलवे एक शिव कार्तिका हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 19 तालुका पनवेल में 33 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। और ये व्यक्ति खासगी कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट ऑफिस CBD बेलापुर में काम करता था, इसको वहीं से संसर्ग हुआ ऐसा कहा है। अब फिर चलते हैं, चौथा नंबर आता है उलवे शिव कार्तिका हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 19 तालुका पनवेल में। यहाँ पे 31 वर्षीय स्त्री कोविड-19 पॉजिटिव आई है। और ये व्यक्ति कुटुंब के ही व्यक्ति से, जो इसके पहले कुटुंब पॉजिटिव 19 हुए थे कोविड-19 के, उनसे उनको संसर्ग हुआ है। चलते हैं पांच नंबर पे है विचुंबे में राज रेसिडेंसी तालुका पनवेल में 64 वर्षीय पुरुष व्यक्ति जो है कोविड-19 पॉजिटिव आया है। और ये व्यक्ति को स्थानिक ठिकाने से संसर्ग हुआ है, ऐसा प्राथमिक निष्कर्ष है। विचुंबे में एक राज रेसिडेंसी तालुका पनवेल ऐसी 54 वर्षीय स्त्री कोविड-19 पॉजिटिव आई है। और ये व्यक्ति कुटुंब के ही व्यक्ति से, जो इसके पहले कोविड पॉजिटिव थे, उनसे उनको संसर्ग हुआ है। नेरे में आते हैं, नेरे में तालुका पनवेल में 30 वर्षीय स्त्री कोविड-19 पॉजिटिव आई है। और ये व्यक्ति जो है वो सुराना हॉस्पिटल मुंबई में नर्स करके काम करती थी, तो नर्स वगैरह को दे आर मच मोर ऑन अ हायर रिस्क फॉर कोविड-19 दिस थिंग। नेरे में तालुका पनवेल में 45 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। यह व्यक्ति मुंबई में पुलिस विभाग में नौकरी करता था, वहीं से इसको संसर्ग हुआ है। तो आप देख सकते हैं, पुलिस विभाग है, नर्स है, डॉक्टर है, ये लोग ज्यादा हाई रिस्क में है। 9 नंबर पे कारण जुड़े एक कैश हारमोनियम सेक्टर 4 केशर हारमोनियम सेक्टर 4 तालुका पनवेल में 55 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। और इसको भी जो है वो प्राथमिक संसर्ग इसके काम के ठिकान से हुआ है। और ये व्यक्ति जो था वो एक भाजी विक्रेता था स्थानीय जगह पे। तो अब बढ़ते हैं 10 नंबर विचुंबे श्री समर्थ सदगुरु कृपा तालुका पनवेल में 33 वर्षीय पुरुष व्यक्ति जो है कोविड-19 पॉजिटिव आया है। ये व्यक्ति बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम करता था, इस व्यक्ति को स्थानिक ठिकाने से ही संसर्ग हुआ है, ऐसा प्राथमिक निष्कर्ष है। 11 नंबर पे आते हैं
को प्रोली में तालुका उरण में 35 वर्षीय स्त्री कोविड 19 पॉजिटिव आई है और ये व्यक्ति को कुटुंब के ही व्यक्ति से इसके पहले जो उनके थे उन्हीं से उनको जो है वो संसर्ग हुआ है। तो चलते हैं आज के अच्छे हुए रुग्ण पर। जी हाँ, दापीवली में तालुका पनवेल में 65 वर्षीय पुरुष व्यक्ति को एमजीएम हॉस्पिटल का कामोठे से डिस्चार्ज मिल चुका है। उसरली खुर्द में जो है वो 43 व 3 वर्षीय स्त्री व्यक्ति ना इंडिया बुल्स कोन से डिस्चार्ज मिल चुका है। कारंजड़े एक में चामुंडा हिल्स सेक्टर एक तालुका पनवेल में 4 वर्षीय पुरुष व्यक्ति इंडिया बुल्स कोन से डिस्चार्ज मिल चुका है। 4 वर्षीय यानी बच्चा होगा। चौथे नंबर पे आते विचुंबे एक में मौर्या गार्डन तालुका पनवेल येथील 43 वर्षीय स्त्री व्यक्ति को उप जिला रुग्णालय पनवेल येथून डिस्चार्ज देने में नहीं आया है। पांचवा नंबर है भेड़घन तालुका उरण में 13 वर्षीय जो बालक था उसको कोरोना पॉजिटिव आया और ये केयर सेंटर बोक से इसको डिस्चार्ज मिला है। और फिर आते हैं पिरकोन में तालुका उरण में इधर यहाँ पे 50 वर्षीय और 45 वर्षीय स्त्री व्यक्ति कोरोना केयर सेंटर बोकड़विरा से डिस्चार्ज दिया है। तो ये थे आज के समाचार। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वो कोरोना अनलॉकडाउन के वक्त भी किस तरह से अपने फन फैला रहा है। हालांकि इससे डरने की बात नहीं है लेकिन सावधानी बरतने की बात है। सावधानी बहुत दिन कम से कम ये बारिश के दिनों तक तो सावधानी बरतनी पड़ेगी ऐसा लोगों का और सूत्रों से प्राप्त हुआ है कि बारिश में जो है वो ये कोरोना और भी फूट सकता है। तो थोड़ा सी सावधानी और बस। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी